अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है टोयोटा पासो 2007 मॉडल है। उसका एयर बैग साइन आ रहा है और कोड उसका आ रहा है BB1600। इस पर पहले मैंने काम नहीं किया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जब कोड आया तो क्या चेक करना है आपने और ये कोड किस सेंसर का है और ये सेंसर कहाँ लगा होता है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। देखें वीडियो। स्विच ऑन कर लिया जी गाड़ी का, गाड़ी होगी स्टार्ट। ये आप देख रहे हैं आपकी राइट साइड पे जो लाइट आ रही है ये है एयर बैग लाइट। चेक करते हैं क्यों आ रही है, इसको कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक कर लेते हैं कोड क्या आ रहा है। कोड आ रहा है B1600। इसको कर लेते हैं क्लियर। ओके, क्लियर नहीं हो रहा। ड्राइवर सीट साइड FR मैकेनिकल सेंसर माल फंक्शन का ये कोड है मगर क्लियर करने पे नहीं जा रहा। ये बार बार क्लियर कर रहे हैं मगर ये नहीं जा रहा। चेक करते हैं क्यों नहीं जा रहा ये। हम लोगों ने सीट खोल ली है कि सीट साइड मगर सीट के नीचे सेंसर नहीं है। ये जो क्लास स्प्रिंग है इसका ग्रिप लगा हुआ है ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है ये। अलग लेफ्ट साइड का कोड नहीं है वो भी चेक कर लिया है। ग्रिप ठीक लगा हुआ है, कनेक्शन ठीक है सीट बेल्ट के। सीट साइड का ये कोड था कि सीट के अंदर जो सेंसर होता है लगा हुआ है अक्सर गाड़ी में आता भी है, मैंने दिखाया भी है एक वीडियो में। ये है एयर बैग का इश्यू, ठीक है जी। ये चार वायर जो हैं लाइट लेफ्ट सीट बेल्ट की हैं और ये जो चार वायर्स हैं ये दो क्लास स्प्रिंग की हैं और दो लेफ्ट एयर बैग जो डैशबोर्ड में लगा होता है उसकी है, पैसेंजर साइड वाला, ठीक है जी। ये सब ठीक है, सब चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है ये, ठीक है जी। और एयर बैग लाइट नहीं जा रही, सब कुछ ये ठीक है, चेक कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कोड के सेंसर क्या है। ये आपके राइट साइड पे जो सेंसर लगा होता है ये एयर बैग सेंसर, एक ग्रीन वायर है इसकी और एक रेड। ये जब गाड़ी हिट होती है तो ये ECU को कहता है कि एयर बैग खोल दो, तो एयर बैग खुल जाती है और आदमी हो जाता है सेफ। मगर यहाँ चेक कर लिया और जैसे हम नीचे घुसे तो साथ यार जो इसकी कहते हैं मैकेनिकल सेंसर की वायरिंग है वो चेक करते हैं। जब आपने ये ग्रिप देखे आप जैसे इस ग्रिप को लाया रेड तार और ग्रीन जो वायर है ये चेक की है तो ये बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है, बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है, बिल्कुल लूज। इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ये लग गया। मैंने गाड़ी वाले को कहा कि अगर इसके बाद भी कोई फॉल्ट आया तो फिर ECU में होगा, मगर ECU जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है, ECU को फॉल्ट नहीं था क्योंकि इसके बाद ECU रह जाता है। सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। आप ग्रिप लगा दिया है, तो कोड वहीं का वहीं है, इसको कर लेते हैं क्लियर। ओके हो गया। ओके लो जी, नो ट्रबल कोड आ गया। अब जाके एयर बैग साइन ऑफ हुआ है। ये मैंने आपको बताना था कि जब भी ये मसला आए लाइट लेफ्ट का सीट बेल्ट चेक कर लें, ये स्टीयरिंग वाला जो है ये एयर बैग ये चेक कर लें, इसकी वायर चेक कर लें और जो पैसेंजर साइड वाला एयर बैग है वो चेक कर लें। हम लोगों ने जो क्योंकि जो ड्राइवर सीट साइड का कोड आ रहा था, हमने सीट खोली के उसके नीचे सेंसर लगा होता है अक्सर लगा होता है मगर इस मॉडल में नहीं था, फॉल्ट था इस सेंसर का। ये देख रहे हैं आप, ये मैकेनिकल सेंसर जो गाड़ी हिट हो और फिर ये एयर बैग खोलता है, इसका कनेक्टर लूज है, मैंने दिखाया आपको। ये कनेक्टर A1 है, इस पर कोई मसला नहीं है और एयर बैग लाइट भी इसकी इस टाइम ऑफ हो गई है, ठीक है जी। इस सेंसर का मसला था। जब बंदे को पता ना हो कि कोड किस चीज़ का है तो बड़ा मसला होता है, काम करने में आसानी नहीं होती।
इसलिए मैं हर कोड आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। इस टाइम इसकी एयर बैग लाइट ऑफ हो गई है, काम इसका मुकम्मल हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी फिर करें। अल्लाह हाफिज़।